दोस्तों, आज से 22 साल पहले डी डेकोर का इंडिया में एक बहुत छोटा सा खाली फैमिली का बिजनेस था टेक्सटाइल का, और आज ये करीब 1500 करोड़ का इनका ईयरली रेवेन्यू है। ये होम फर्निशिंग में आज के रेट में दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड में से एक हैं। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें किया जो कि ये दुनिया के सबसे बड़े होम फर्निशिंग ब्रांड बन गए। ये पर्दे और जितने होम डेकोर की चीज़ें होती हैं वो सारे कुछ ये मैन्युफैक्चर किया करते हैं। तो इस वीडियो को आइए समझते हैं और इनके हर स्टेप और स्ट्रैटेजीज को समझेंगे जिससे आप भी अपना बिजनेस आगे ले जा सकें। दोस्तों, ये डी डेकोर के सक्सेस के पीछे पूरी स्टोरी जो है ये दो भाइयों की है, एक अजय अरोड़ा और संजय अरोड़ा की। जब ये दोनों भाइयों ने अपना फैमिली का बिजनेस ज्वाइन किया था तो उस समय इनका फैमिली का बिजनेस ठीक ठाक ही चल रहा था। इनको उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं पता थी कि कितना बड़ा ये होम डेकोर का बिजनेस है, फैब्रिक्स का क्या बिजनेस है, टेक्सटाइल में क्या किया जा सकता है। धीरे धीरे समय के साथ अजय ने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि इंडिया में अभी उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये फैब्रिक्स हुआ, टेक्सटाइल हुआ, होम डेकोर की चीज़ें हुई, इनमें बहुत बड़ा मार्केट है। तो यही सब रियलाइज़ करते हुए अजय अलग अलग अपॉर्चुनिटी की तलाश करने लगे कि हम क्या इसमें नया कर सकते हैं अपने बिजनेस में। 1997 में अजय हैमी टेक्सटाइल गए यूरोप, जहाँ पे सबसे बड़ा टेक्सटाइल का फेयर लगता है फ्रैंकफर्ट में, और वहाँ से अजय कोमो जाते हैं जो कि इटली में एक जगह है। कुछ महीने वहाँ रहते हुए अजय ने इसकी बारीकियाँ समझी कि कैसे होम डेकोर और इन सब चीज़ों का ट्रेड हुआ करता है दुनिया में, फैब्रिक्स का ट्रेड कैसे हुआ करता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वहाँ से आने के बाद अजय ने अपने भाई संजय से सारी बातें की और इन्होंने अपना फैमिली का बिजनेस छोड़ दिया और स्टार्ट किया डी डेकोर नाम का ब्रांड, और यहीं से इनकी सक्सेस की शुरुआत होती है पूरी। 1999 में इन्होंने डी डेकोर ब्रांड शुरू किया और उसमें इनका कम्प्लीटली विजन ये था कि यूरोपियन क्वालिटी का हम फैब्रिक मैन्युफैक्चर करेंगे जो कि इंडियन प्राइसेस में होगा, मतलब सस्ते पैसों में हम ये चीज़ें मैन्युफैक्चर करेंगे। आज की डेट में इनका तारापुर में करीब 5 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं और जहाँ पे ये करीब 120,000 मीटर पर डे का ये फैब्रिक मैन्युफैक्चर किया करते हैं। आज के रेट में डी डेकोर जो बुने हुए और होलिस्ट्री होता है और कर्टन फैब्रिक्स होता है, इसका सबसे बड़ा प्लेयर है करीब करीब दुनिया में। और आज के रेट में डी डेकोर करीब 65 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपनी चीज़ें भेजा करता है, जिसमें यूएसए, यूएई, यूरोप और मिडिल ईस्ट के जैसे कई कंट्रीज़ हैं जहाँ के। आज के रेट में इसे शाहरुख खान, गौरी खान, ये सब कोई इनके प्रोडक्ट को एंडोर्स किया करते हैं। लेकिन इतने बड़े ब्रांड की जर्नी इतनी आसान भी नहीं रही है, इन्होंने भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए क्योंकि इन्होंने एक अलग लाइन बनाई इंडिया में जो होम डेकोर के मार्केट होता है। इनको सबसे बड़ा जो दिक्कत स्टार्टिंग में आता था वो ये था कि उस समय इंटरनेट का इतना बड़ा रिवॉल्यूशन नहीं था। आज के डेट में तो आपको बहुत से डिज़ाइन आपको इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ आज के डेट में बिजनेस करना ईजी है। लेकिन उस समय इनको कुछ डिज़ाइंस के बारे में नहीं पता था, इन्होंने बस बाहर जाके कुछ अच्छे चीज़ें देखी थी कि क्या क्या इसमें किया जा सकता है। तो स्टार्टिंग में इनको हर एक डिज़ाइन कुछ नई क्वालिटी देने में इनको बहुत इश्यूज़ आया करती थी क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत कम हुआ करता था उस समय। तो वो सब पे इन्होंने काफ़ी कुछ सफ़र किया। जब आप कुछ एक नया बना रहे होते हैं तो आपको कुछ कोई भी विज़न आपको आगे दिखाई नहीं देता है कि वो उसका क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो ये स्टार्टिंग में इन्हें इश्यूज़ आए। और अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा इनको जो हिट लगा बिज़नेस में, सबसे बड़ा इशू आया, इनका ज़्यादातर जो बिज़नेस होता था वो यूएसए में होता था, और जब 2008 का जब रिसेशन आया तो इनका ज़्यादातर बिज़नेस वहीं पर रुक गया क्योंकि रिसेशन में यूएस में इनका बिज़नेस सारा कुछ बंद हो चुका था। तो यूएसए से जो इनका ज़्यादातर पहले रेवेन्यू आया करता तो वो करीब इनके टोटल रेवेन्यू का 65% हिस्सा था, बट रिसेशन में वो सारा कुछ बंद हो चुका था। कंपनी के लिए ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था, लेकिन वहीं पे इन्होंने, जहाँ पे भी बिज़नेस आदमी का फेल होता है वहीं पे उसको कोई नया स्तर दिखाई देता है, और यही बिज़नेस की सबसे बड़ी कला भी होती है। इन्होंने सोचा कि अब हमें और डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपने आप को। तो स्टार्टिंग में जो सिर्फ ये यूएस में काम कर रहे थे, इन्होंने अपने आपको यूरोप और यूएई जैसे कंट्रीज़ में एक्सपेंड किया, साथ में इन्होंने अब इंडिया में काम करना और बेहतर तरीके से चालू किया। तो एक हिट तो इन्हें यूएस में लगा, लेकिन ये बाकी कंट्रीज़ में इन्होंने तुरंत एक्सपेंड करना चालू कर दिया था। और 2010 में इन्होंने एक बहुत अच्छी मार्केटिंग लगाई। पहले ये सिर्फ B2B काम करते थे, मतलब ये बल्क अमाउंट पे बड़े बिजनेसेस को ये डायरेक्ट टारगेट किया करते थे। इन्होंने फिर ऑब्जर्व किया कि B2C रिक्वायरमेंट बढ़ता जा रहा है, मतलब कस्टमर डायरेक्ट इनसे थोड़े कम रेट में खरीदना चाहते हैं। तो इनके जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उनके साथ उन्होंने एक सब्सक्रिप्शन पैक निकाला। इन्होंने अपने सारे डिज़ाइंस और सारा कुछ अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिया और कहा कि आप कस्टमर्स को दिखाओ और जहाँ पे भी पॉसिबल हो आप दिखाओ, और जितने ऑर्डर्स आएँ आप उतना ही इन्वेंट्री हमसे बाई करिए।
मतलब ये है कि अब डिस्ट्रीब्यूटर्स को बहुत एक अमाउंट में बाई करके रखना नहीं होता है, अब ये डी डेकोर का सारा आइटम अपने इनके कैटलॉग के थ्रू दिखा सकते हैं, और उसके लिए ये कुछ सब्सक्रिप्शन चार्ज करते थे। तो यहाँ पे ज्यादा पैसा लगाए बिना डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए बहुत आसानी हो गई थी कि वो सारे प्रोडक्ट इनके दिखा सकते थे कस्टमर्स में, और जो भी इनसे प्रोडक्ट बाई करते थे और जो भी इनको ऑर्डर आया करता था, डी डेकोर अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को वो ऑर्डर दे देता था। तो इससे ये होता था कि डी डेकोर कम्प्लीटली मैन्युफैक्चर कर रहा था और बाकी लोग इनके प्रोडक्ट खूब अच्छे से सेल किया कर रहे थे। और 2010 में जब ये B2C आए तो इन्होंने बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ा दिया था। और 2016 में इन्होंने अपने आप को कम्प्लीटली डिजिटलाइज किया, इन्होंने अपना एक ऐप बनाया जहां पे रिटेलर्स इनके हर टाइप के प्रोडक्ट्स और हर टाइप के इनका जो डिजाइंस वगैरह है वो जाके देख सकते थे ऑनलाइन, और इनको डायरेक्ट वो वहां से ऑर्डर कर सकते थे। अभी तक जो कैटलॉगिंग सिस्टम था उसमें ये था कि नए डिजाइन का नया कैटलॉग आता था कुछ दिन में, लेकिन यहाँ पे तुरंत तुरंत चीजें अब अपडेट होने लगी थी। यही डिजिटल का फायदा होता है कि आपको तुरंत एक्सेस मिलता है चीजों का। तो यहाँ से इन्होंने अपने आप को बिल्कुल चेंज किया, रिटेलर डायरेक्ट इनको एक्सेस कर सकते थे और ये भी डायरेक्ट अपने रिटेलर्स के टच में थे। तुरंत ये नए नए डिजाइन इनके, जैसे ही इन्होंने नया डिजाइन बनाया वो तुरंत मार्केट में तुरंत फैल जाता था। तो इस तरह से ये अपने आप को भी एक्सपेंड कर रहे थे और जो इनके रिटेलर्स थे वो भी एक्सपेंड कर रहे थे। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस वही है जिसमें सबके लिए प्रॉफिट हो, और ये काम डी डेकोर कर रहा था। इनके ऐप का नाम था डी असिस्ट, जो कम्प्लीटली डिजिटलाइज था, जहाँ पे सारे इनका SKU और सारा कलेक्शन इजिली कोई भी रिटेलर जाके देख सकता था। आज की डेट में इनके करीब 20,000 से ज़्यादा स्टोर कीपिंग यूनिट्स हैं इंडिया के 250 से ज़्यादा शहरों में। वहीं 1,000 से ज़्यादा इनके प्रोडक्ट जहाँ पे मल्टी ब्रांड की चीज़ें बिका करती हैं वहाँ पे बिकते हैं, और 30 से ज़्यादा इनका डेडिकेटेड ब्रांड स्टोर है जो सिर्फ डी डेकोर की प्रोडक्ट जहाँ बिका करती हैं। पिछले 3 साल से इन्होंने अपना ddecor.com नाम का अपना पूरा साइट बना दिया है जहाँ पर आप इनको एग्जैक्टली ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद ये अमेज़ॉन मिंत्रा पे तो ये अपनी चीज़ें बेचा ही करते हैं। और लेकिन 2020 का जब कोरोना पैंडेमिक आया तो इनके बिजनेस को फिर से थोड़ा सा हिट लगा, क्योंकि अभी भी ये कम्प्लीटली बहुत अच्छे से डिजिटल नहीं थे, क्योंकि ये जो फैब्रिक्स वगैरह की चीज़ें होती हैं ये आदमी टच करके छू के देखना चाहता है। बट अगर आप इसे ऑनलाइन बेचना चाहते हैं तो आपका क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप बहुत ही डीप तक उसकी क्वालिटी वगैरह समझा सकिए लोगों को, तब आप इजीली ये चीज़ें सेल कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये फैब्रिक्स के वीडियो बना के सेल करें, तो ये सब चीज़ों से थोड़ा बिजनेस को हिट लगा, क्योंकि जो होम डेकोर होता है ये इसेंशियल आइटम में नहीं आता है। इसेंशियल मतलब जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और कोविड के शुरुआत में लोग वही चीज़ें खरीद रहे थे। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब कोविड लगा था शुरुआत में कि 1-2 महीने की चीज़ है, लेकिन अब ये लॉन्ग टर्म का चीज़ है, तो लोगों को ज़्यादातर टाइम अपने घरों में रहना होता है, तो आदमी अपना घर ज़्यादा बेटर बना रहा है इस समय। क्योंकि पहले लोग आधा टाइम ऑफिस रहते थे तो लोग अपने घर की सुंदरता पे और चीज़ों पे बहुत ध्यान नहीं देते थे, बट कोविड के टाइम में क्या हुआ है कि जब कोविड कुछ दिन रहा तो लोग तो सोचे कि कुछ दिन में बाहर निकल जाएंगे, बट अब कोविड बहुत लॉन्ग टर्म का चीज़ हो गया है। तो यहाँ पे लोग अपना बेड उनका कैसा होगा, उनके पर्दे कैसे होंगे, लोग इन सब चीज़ों पे अब ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर टाइम लोग अब अपने घरों में ही रहा करते हैं। और कोविड में इन्होंने ये चीज़ें एनालाइज करी कि अगर इनको प्रोडक्ट सेल करना है तो इनको और अच्छी इमेजेस, ग्राफिक्स, थोड़ा सा 3D व्यू पे आना पड़ेगा, और ये इन सब चीज़ों पे इन्होंने बहुत डिटेल में काम किया। इन्होंने काफ़ी सारे 3D एसेट्स और फोटो रियलिस्टिक डिजिटल मॉडल और काफ़ी प्रोडक्ट के इमेजेस इन्होंने फिर तैयार करना चालू किया, क्योंकि कोविड में अगर कोई आपको ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा है तो अपने वो फ़ोन से ही ऑर्डर करेगा। उसके बाद इन्होंने अपना वर्चुअल शोरूम्स वगैरह वहाँ पे दिखाना चालू कर दिया ऑनलाइन ही, तो इन सब चीज़ों से इनके ब्रांड को काफ़ी फिर से हिट मिलने लगा। और इसके बाद इन्होंने यूरोपियन टेक्सटाइल कंपनी हीक से इन्होंने अपना कोलैबोरेशन किया, और ये कम्प्लीटली अब अपना एयर प्यूरिफाइंग कर्टेन, बेडिंग और ये सब चीज़ें बना रहे हैं जिससे आपका घर प्यूरिफाई होता रहे। ये इस टाइप के बेडिंग्स और बाकी सारी चीज़ें, कर्टेन्स, होम डेकोर की चीज़ें बना रहे हैं। तो ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सोच रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी जो घर पे अगर आदमी जाता रहेगा तो उसको घर बिल्कुल वो प्यूरिफाइड चाहिए, क्योंकि बाहर तो पॉल्यूशन ज़्यादा है, घर में भी पॉल्यूशन होता है। तो उन सबको देखते हुए ये फ्यूचर पे इन चीज़ों की ज़्यादा डिमांड होगी, तो ये इस तरह की ये इनोवेटिव चीज़ों पे ये काम कर रहे हैं अभी। तो अगर हम इनका कंप्लीट बात करें तो अब इनका कंप्लीट ये फोकस है कि लोग अगर ऑनलाइन इनसे प्रोडक्ट आके बाई कर रहे हैं तो ऑनलाइन में बेस्ट एक्सपीरियंस हम कस्टमर को दे सकें, तो ये सारी चीज़ें ये इस पे काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये प्रोडक्ट पे भी अपना थोड़ा और बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से आप भी अपना ब्रांड शुरू कर सकते हैं, और अगर आपका ब्रांड है और आप अगर ऑनलाइन अभी तक नहीं आए हैं तो आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, क्योंकि कोविड के टाइम में
कोविड के फर्स्ट वेव में होम फर्निशिंग और होम डेकोर की चीज़ें ज़्यादा नहीं बिकी, लेकिन सेकेंड वेव में लोगों को ये समझ में आ गया कि नहीं, ये कोविड तो लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है, तो हमें अपना घर और बेटर बनाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर टाइम अगर लोग ऑफिस भी लोगों का घर में ही चल रहा है, तो आदमी अगर अपने बेडरूम में भी बैठा है तो उसे एक बेडरूम में अच्छा व्यू चाहिए, डेकोरेटेड चाहिए, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग चीज़ें बाई करते हैं। वॉलपेपर्स हुआ, बेडिंग्स हुआ, कर्टेंस हुआ, उसके बाद बाकी जितनी होम डेकोर की चीज़ें हैं, इन सब का काफ़ी बड़ा डिमांड इंडिया में अभी बनता जा रहा है, और लोगों ने घर खरीदना अभी बंद नहीं किया है भारत में। जितना ज़्यादा लोग घर बाई कर रहे हैं, लोग जितना ज़्यादा घर में रहेंगे, उतनी होम डेकोर का मार्केट बढ़ता जाएगा, और फ्यूचर होम डेकोर का बहुत बड़ा है, लेकिन ये ऑनलाइन ज़्यादा सेंटर्ड होने वाला है। आज के डेट में लोग पेंट कराना उतना पसंद नहीं करते हैं, लोग एक वॉलपेपर बाई करना पसंद करते हैं। अगर आप अपने घर का वॉल, एक वॉल अगर आप पेंट कराएंगे कोई अलग कलर का, तो उसमें ज़्यादा पैसे लगेंगे, लेकिन अगर आप एक वॉलपेपर लेंगे तो उसमें 3-4-5 हज़ार में आपको काफ़ी अच्छा वॉलपेपर मिल जाएगा, और वो आप साल भर 6 महीने यूज़ करके आप वो चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, लोग अपने कर्टन्स चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें घर का सीधा लुक चेंज कर दिया करती हैं। तो अगर आपका ब्रांड है, आप होम फर्निशिंग में ट्राई करना चाहते हैं, तो आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे जाइए बेशक, बट मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, आप हमेशा अपना ब्रांड बिल्डअप करिए, क्योंकि आज से 3 साल बाद होम फर्निशिंग का और काफ़ी बड़ा मार्केट हो जाएगा। तो इस वीडियो के थ्रू मुझे यही बताना था कि इसमें काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और अगर 20-22 साल के अंदर ये 1500 करोड़ तक के रेवेन्यू तक पहुँच सकते हैं, तो आप भी 100 करोड़ के रेवेन्यू 1-2 साल में तो आप पहुँच ही सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको अपना ऑनलाइन स्टोर बनवाना है, कुछ भी करवाना है, तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हम भी आपके लिए कंप्लीट स्टोर बना सकते हैं। इससे आप डायरेक्ट इंडिया में टारगेट कर सकते हैं, US में टारगेट कर सकते हैं, इंडिया के बाहर काफ़ी बड़ा मार्केट है, लोग इंडिया से प्रोडक्ट खरीदा करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इंडिया में सस्ती चीज़ें मिलती हैं, बेहतर चीज़ें मिलती हैं, तो ये आपके लिए बड़ा मौका है। अगर आप अभी तक सिर्फ इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये आपके पास चांस है कि आप इंडिया से बाहर भी चीज़ें सेल करिए। होम डेकोर बहुत बड़ा फ्यूचर है अगर यहाँ पे इंडिया का देखें तो। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और क्या फ्यूचर हो सकता है होम डेकोर का आगे आने वाले टाइम में।